हाय एवरीवन, आपको फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर यूट्यूब पर रोज माय फर्स्ट व्लॉग वीडियो अपलोड किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पर बहुत से लोगों का माय फर्स्ट व्लॉग वायरल नहीं हो रहा है। दोस्तों यहां पर मैं उसको लेकर बताऊंगा कि आखिर दोस्तों आपका जो है माय फर्स्ट व्लॉग वायरल क्यों नहीं हो रहा है। जो कि दोस्तों यहाँ पर कल भी मैं एक वीडियो बनाया था, बट वहाँ पर बहुत से लोगों का जो है रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, जब माय फर्स्ट व्लॉग जब वायरल नहीं होता है दोस्तों, किस कारण से वायरल नहीं होता है, यहाँ पर मैं आज सब कुछ यहाँ पर खोल कर रख दूंगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने, यहाँ पर मैं सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को देख लेते हैं। बट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, ताकि आगे भी इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर साइड स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो है माय फर्स्ट व्लॉग 6-7-8 व्यू जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्यों माय फर्स्ट व्लॉग पर 6-7-8 व्यू जा रहा है? दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को इसका रीजन मैं बताऊँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप गलत टाइमिंग पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर गलत टाइमिंग पर वीडियो भी पब्लिक कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस टाइम पर वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके पास नई सब्सक्राइबर है, नई ऑडियंस बेस है, तो यहाँ पर अपना माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, यहाँ पर मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को यह बता दूँ, जैसे मान लीजिए आप वीडियो बना रहे हैं माई फर्स्ट ब्लॉग, और दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाने के बाद आप कभी भी उसको पब्लिश कर देना, जैसे 12 बजे दिन में, या 2 बजे 3 बजे 4 बजे, जब भी आपका समय मिल रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर यही गलती कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपका माय फर्स्ट व्लॉग वायरल नहीं हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बेस्ट टाइमिंग कौन सा है, आप लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊंगा कि बेस्ट टाइमिंग कौन सा है, पहले यह बात सुनिए। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पर जो है माय फर्स्ट व्लॉग को वायरल कराने के लिए आप सुबह 6 बजे वीडियो डाल लेते हैं कि मैं 6 बजे वीडियो डालूंगा तो यहाँ पर माय फर्स्ट व्लॉग वायरल होगा। दोस्तों यहाँ पर यही गलती नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं फार्मूला स्टार्ट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मेन फंडा स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे फ्लाइंग बीस्ट हो गए, यहाँ पर सौरभ जोशी हो गए। दोस्तों इनका वीडियो जो है फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो तो मैं नहीं जानता हूँ कितने बजे आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सौरभ जोशी का जो वीडियो है 8 बजे करीब में आता है सुबह में। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 6 बजे नहीं तो 7 बजे वीडियो डाल लेते हैं, या जब सौरभ जोशी वीडियो छोड़ते हैं उसी टाइम आप भी 8 बजे वीडियो डाल लेते हैं माय फर्स्ट व्लॉग। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए उनका बेस जो ऑडियंस बेस है, उनका सब्सक्राइबर है, उनका जो जब वो वीडियो छोड़ेंगे 10 मिनट का या 8 मिनट का, तो दोस्तों वहाँ पर जितने भी उनके व्यूअर्स रहेंगे वो उनके चैनल पर जाएंगे वीडियो देखने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप उसी टाइमिंग पर छोड़े रहेंगे 8 बजे, वो भी छोड़ रहे हैं सौरभ जोशी, और आप जो है 8 बजे आप भी छोड़ रहे हैं, तो दोस्तों यही गलती कर देते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपका नई ऑडियंस है और नई सब्सक्राइबर है, तो दोस्तों यहाँ पर जब आप वीडियो छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका व्यूज नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए सौरभ जोशी वीडियो तो छोड़ दिए 8 बजे तक, और 8 बजे छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर 1.5 घंटे तक वेट करना है। जैसे मान लीजिए 1.5 घंटे तक वेट कर लिए, और दोस्तों 1.5 घंटे के बाद यानी 9:30-10 बजे तक वीडियो डाल रहे हैं माई फर्स्ट व्लॉग, तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपका माई फर्स्ट व्लॉग वायरल होगा। क्योंकि अगर आप उसी टाइमिंग पर वीडियो छोड़ेंगे, जैसे सौरभ जोशी और आप भी 8 बजे छोड़ रहे हैं, सौरभ जोशी भी 8 बजे छोड़ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर उनका जो ऑडियंस है वो आपका वीडियो नहीं देखेगी, और जो उनका जो सब्सक्राइबर है वो उनका वीडियो जाकर देखेगी। तो सो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 1.5 घंटे तक वेट करना है और 10 बजे तक यहाँ पर वीडियो जो है डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को यह बता दूँ, 1.5 घंटे तक वेट करने के बाद 10 बजे आप वीडियो डालिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऑडियंस बेस नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑडियंस बेस न होने के बाद यहाँ पर जैसे ही वीडियो अपने पब्लिक कर रहे हैं उसके तुरंत बाद फैमिली मेंबर में जितने भी मोबाइल है, फ्रेंड सर्किल में जितने भी मोबाइल है, आप उससे लेकर अपना माय फर्स्ट व्लॉग वीडियो चला दीजिए। उसके बाद चलाने के बाद 10-15-20 बार चलाइए अपना ही वीडियो, उसके बाद चलाने के बाद छोड़ दीजिए। दोस्तों इस तरह यूट्यूब का लगेगा कि यहाँ पर इस वीडियो में कुछ ना कुछ दम है, और दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे जो है आपका वीडियो पुश करने लग जाएगा, इंप्रेशन भेजना स्टार्ट कर देगा, जिससे यहाँ पर आपका व्यूज यहाँ पर इंक्रीज होने लगेगा और इसी तरह माय फर्स्ट व्लॉग वायरल हो जाता है। तो सो दोस्तों यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, आपको 1.5 घंटे तक वेट करना है। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो, अगर किसी भी कैटेगरी का हो, अगर आपके पास मतलब 10-15 व्यूज आ रहा है, तो दोस्तों आपको इसी तरह करना है, आपको गलत टाइमिंग पर वीडियो नहीं छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका माय फर्स्ट व्लॉग वायरल हो गया,
उसके बाद मान लीजिए धीरे धीरे आपका ऑडियंस बेस भी हो जाएगा, कुछ 1,000-2,000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, अब दोस्तों एक टाइमिंग आपको चूज करना है। जैसे मान लीजिए 6 बजे वीडियो डालना है तो 6 बजे वीडियो डालिए, 7 बजे वीडियो डालना है 7 बजे डालिए। लेकिन दोस्तों 7:05, 7:10 तक ही वीडियो अपना जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। 7:30 तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह आपका ऑडियंस जो है इंतजार करती है कब उनका वीडियो आएगा। सो दोस्तों इस तरह धीरे धीरे आदत लगाइए, और मैं 100% डेफिनेटली गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपका माई फर्स्ट ब्लॉग जरूर वायरल होगा। और दोस्तों आपका सेकंड ब्लॉग थर्ड ब्लॉग जिस तरह डालते जाएंगे उस तरह ऑडियंस बेस आपका बनता जाएगा, और इस तरह आपका चैनल जो है मोनेटाइज भी हो जाएगा और आप यूट्यूब से अर्निंग करने लग जाएंगे। तो दोस्तों यही आपको बताना था। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों यह भी कमेंट कीजिएगा कि आप कितने बजे वीडियो जो है अपलोड करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज किसी वीडियो से इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।